संपूर्ण समाधान दिवस के बाद आज सुरहा के ग्रामीणों ने एडीएम की गाड़ी के सामने बैठकर प्रदर्शन किया और मांग की कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग गाड़ी के आगे से नहीं हटेंगे। बताया जा रहा है कि सुरहा गांव में हरिजन बस्ती में आबादी के लिए जमीन सुरक्षित है। उसी जमीन पर 2012 में कुछ ग्रामीण काबिज है, कब्जे के तहत मंडाई बनाकर सब परिवार सहित रह रहे हैं। इस बीच उसी जमीन का पट्टा नए पट्टे के तहत अपात्र लोगों को पट्टा बनाकर दिया गया है। नए पट्टे धारकों ने जबरदस्ती वहां से कब्जा किए हुए लोगों को हटाने का प्रयास किया और धमकी भी दी। उसी से संबंधित कब्जाधारी लोगों ने तहसील चुनाव में तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र देकर कब्जा न हटाने की मांग की और एडीएम के सामने गाड़ी के सामने बैठ गए। वह एडीएम के मामले की जांच कराकर सही लोगों को पट्टा दिलाने का भरोसा दिलाया और कहा कि पात्रों को ही पट्टा मिलेगा, अपात्रों का पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल और बीडीसी ने मिलकर अपात्रों को पट्टा दे दिया है और हम लोगों को बेदखल कर रहे हैं, न हटने पर मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि जमीन के बाबत एडीएम कोर्ट मिर्जापुर में मुकदमा चल रहा है, जब तक मुकदमा का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को कब्जा से बेदखल नहीं किया जाए। पूरी सूची पे जिसको ट्रैक्टर है उसको आबादी मिला हुआ है, जिसको जमीन है उसको आबादी मिला है, जो ग्राम पंचायत प्रधान है उसको आबादी मिला हुआ है, जो हम लोग के पास एक धूर एक बिस्वा भी जमीन नहीं है फिर भी हम लोग को आबादी नहीं मिल पाया है। और हम लोग को मड़ई उजाड़ के फेंका जा रहा है, अगर नहीं हम लोग नौ मड़ई हटाने पर हम लोग को मार रहे हैं। कौन मार रहा है? वहाँ के बीडीसी होरीलाल भारती और वहाँ के लेखपाल प्रवीण कुमार। यहाँ पर आए हैं दरखास्त देने? जी हाँ, हम लोग वहाँ माननीय एडीएम साहब के यहाँ लोग मुकदमा क्या दिए हैं, दरखास्त दिए हैं। आबादी का मामला है। क्या मामला बता बताइए? आबादी मतलब हम लोग काबिज है, जो हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग मतलब कि बोलल गया कि मतलब भूमिहीनों को मतलब कि मिली तो भूमिहीन को ना मिलकर मतलब कि भूमिधर को जमीन मिला है। हम लोग काबिज हैं ऊपर से, तो हम लोग के हटा रहे हैं। कल नापने गए, यशो साहब भी गए, नेपाल भी गए, यशो साहब के सामने नेपाल धक्का दिए, होरीलाल राम जी और केसलाल यहाँ दरखास्त दिलू है। के दिलू साहब के? तो साहब क्या बोले हैं? साहब बोले ना चला चला जा रहे हैं, हम पहरवा बैठे नहीं। तो गाड़ी के सामने क्यों बैठी हैं? हमने के माँ दे साहब जान दे दो जी, हमने कहाँ रहल जी जाल जी घर।